यहाँ आए सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। आज आप लोगों को बुलाने का मेरा यही कारण है कि पिछले दिनों जो यदुवंश नगर में घटना हुई है, उस घटना से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। चुनाव में ये लोग हमारी लोकप्रियता को देखते हुए घबरा रहे हैं और पूर्व मेयर जो हैं वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, और आगे का जो भी ये है वो हमारे अमित जी बता देंगे, और आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा वो बताइएगा, हम उसका जवाब देंगे। वाह, एक घटनाक्रम घटा है और पेपर में बयान आया है कि कुछ इस शहर में हम गुंडागरी नहीं करने देंगे, अपराधी तत्व के लोग आके चास का माहौल बिगाड़ रहे हैं, तो हमारा ये स्पष्ट रूप से कहना है कि अपराधी यहाँ कौन है, कौन चास का माहौल पिछले 5 सालों में हमेशा खराब कर रहा है, क्यों हर बार एक ही आदमी का हर जनप्रतिनिधि से लड़ाई होता है, या जानबूझ के कुछ ऐसा कुछ किया जाता है कि जिसमें दूसरे जनप्रतिनिधि का नाम खराब किया जा सके, तो इसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। पिछले 5 सालों में 1 महीने के लिए वो फरार रहे ताकि वो पुलिस से बच सके, 2 बार जेल गए, और भी ऐसे कई लंबित मामले हैं उनके ऊपर। एक मामला तो अभी जो सामने आया है GR कांड संख्या 1393 2015 का केस है, जिसमें उनका बेल तक टूटा हुआ है। कोरोना काल में उनका कोरोना के चलते वारंट नहीं निकल पाया है, लेकिन उनका बेल टूटा हुआ है और इस पर जल्द वारंट भी निकलेगा और हम इसके लिए कोर्ट में शायद अपील भी करें। तो आखिर इस चार्स का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? एक ही समुदाय के लोगों को आपस में लड़वाया जा रहा है ताकि वो अपनी सस्ती और गंदी राजनीति कर सके। उस दिन भी जो हुआ, हम सभी वहाँ जब एक समुदाय के बीच में ऐसी घटना घटी तो हम वहाँ जब लोगों के बुलाने पे थाना गए, और हम सिर्फ थाना गए और हमारा जो है झूठा केस मुकदमा दर्ज करके जानबूझकर हमारे नाम को खराब किया जा रहा है ताकि वो इस चुनाव में उसका गलत राजनीति तौर पे इस्तेमाल कर सके। और आप ये उस दिन आप जिस तरह की वाक्या उन्होंने पेपर में बयान दिया है वो बिल्कुल भी गलत है, और इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो खुद उसी प्रवृत्ति के हैं और वो दूसरों पे आरोप लगा के लोगों को, चास के लोगों को दिग्भ्रमित ना करें, क्योंकि खुद उनके साथ हमेशा ऐसी घटनाएं हो रही हैं। क्यों पत्रकारों को आपने बुलाया है, क्या ऐसा मसला हो गया? आज वही जो हम लोगों पर झूठा मुकदमा हुआ है यदुवंश नगर में, जो केस हुआ है उसमें हम लोग थे नहीं और झूठा मुकदमा में फंसाया गया, इसीलिए आप लोगों के माध्यम ये आप पे आरोप क्यों लग रहा है? ये आरोप तो कोई भी लगा सकता है ना। अब हम लोग तो उस दिन अब पब्लिक है बुलाया तो हम लोग थाने गए हैं, सबके सामने गए हैं, थाना में गए हैं, जो भी बात हुआ है थाना में हुआ है। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मारने में थे तो वहाँ तो बहुत सारा CCTV भी लगा हुआ है ना, वो फुटेज निकल जाए देख ले लो कि हम लोग उधर गए हैं कि नहीं गए हैं। क्या लगता है विनोद जी कि आपकी जो लोकप्रियता बढ़ रही है चास नगर निगम क्षेत्र में, उसको देख के लोगों की बौखलाहट बढ़ गई है क्या? हाँ, यही हो रहा है ना। आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप लगवा रहे हैं, आरोप वहाँ के पूर्व मेयर लगवा रहे हैं, उनका यही काम है, आरोप लगवाना ही उनका काम है। क्या लगता है क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये सब अपने लोग? पत्रकारों को क्यों बुलाए हैं, क्या कारण रहा? आज आप लोगों को बुलाने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो पिछले दिनों 19 तारीख को जो यदुवंश नगर में जो घटना घटी है उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, और वहाँ के जो हैं लोग क्या, वहाँ के पूर्व मेयर भोलू पासवान जो है वो जानबूझकर इस केस में हम लोग का नाम ला रहे हैं। उन लोगों के कॉलोनी का मामला है तो वो लोग अच्छे से जानते हैं कौन है ना उसमें, कॉलोनी के लोग ही जानते हैं कि हम लोग गए हैं कि नहीं गए हैं वहाँ झगड़ा में, और जानबूझकर वहाँ के लोगों को चढ़ा बढ़ा कर और भोलू पासवान ये सब करवा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कर रहे लोग,
हम लोग का लोकप्रियता को देखते हुए जितना हम लोग का लोकप्रियता बढ़ रहा है उससे घबरा कर वो इस तरह का काम कर रहा है। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में हम चाहते हैं कि इसमें उच्च स्तरीय जांच हो बढ़िया से, जिससे जो निर्दोष है वो नहीं फंसे और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। है पूरे चास नगर निगम क्षेत्र में पिछले 19 तारीख को सरस्वती पूजा का विसर्जन को लेकर चास यदुवंश नगर में मारपीट हुई। लोगों के बुलाने पे हम थाने गए और हमारे पास हमारा CCTV फुटेज भी है कि हम 10:30 बजे यहीं आवासीय कार्यालय से निकल के थाने गए और मारपीट की घटना शाम को 7 बजे घटी और फिर भी उसमें हमारा नाम दिया गया है कि हम लोग उस स्थल पे पहुंचकर मारपीट किए हैं, जो कि सरासर गलत है और जान पूछकर पूर्व मेयर हमारा इसमें नाम घसीट रहे हैं क्योंकि वो हताश हो चुके हैं। जिस तरह से हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, हमें लोग हमें हर कार्यक्रम में बुला रहे हैं, उससे वो हताश और निराश हो चुके हैं। उनका कुनबा ढह रहा है और इसको देखकर वो ऐसी गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं आप लोग इसमें, क्या कुछ मांग करते हैं? हम लोग बिल्कुल उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। हम लोग आला अधिकारी से मिलेंगे, SP और DIG साहब से मिल के इसकी निष्पक्ष जाँच करें ताकि हम जो भी निर्दोष हैं इससे बाहर निकल सके। बयान देने वाले क्या है, वो तो खुद गुंडागर्दी करते हैं। पिछले 5 साल में आप निगम को देख लें तो उस 5 साल में सबसे ज्यादा केस उन्हीं के ऊपर हुए हैं। उनकी लड़ाई हमेशा जनप्रतिनिधियों से ही होती है। अजय राय जी से हुई, क्यों? क्योंकि वो उनके लाल बत्ती जो लगा के घूम रहे थे, जो मेयर इंटाइटल नहीं है उसके लिए उनसे लड़ाई पीट हुई। अमर स्वर्णकार जी से हुई। आखिर कौन इस तरह चास में गुंडागर्दी कर रहा है? वो तो लगातार वही खुद इस पे कर रहे हैं। उसमें एक केस है, कांड संख्या आपका GR 1393/2015 का केस है, जिसमें उनका बेल तक टूटा हुआ है, वारंट नहीं निकल रहा है। और जैसे बहाना तो ये दिया गया कि कोरोना काल के कारण अभी किसी का वारंट नहीं इशू हो रहा है और हम इसमें लग के इनका वारंट इशू करवाएंगे। और इनके ऊपर तकरीबन ऐसे 14 से 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस चास में गुंडागर्दी कौन कर रहा? लगातार अगर वो जेल जाते हैं तो उनके घर के लोग पैसे की उगाही करते हैं बाजार में जाके कि भाई आप पैसा दीजिए, उनका बेल करवाना है। तो इस तरह की गुंडागर्दी करके लोगों से पैसा वसूलना, आज तक एक भी पार्षद से उनका बनता नहीं है, डिप्टी मेयर से बनता नहीं है, जनप्रतिनिधियों से लड़ाई होता है, एक ही समुदाय के लोगों को 2 गुट में बांट के लड़वाते हैं, तो वहां का गुंडा कौन है? वहां गंदगी कौन फैला रहा है? क्या रणनीति रहेगी आपकी? हम जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। हमारा एक ही मकसद है कि चास एक शांतिपूर्ण जगह है, वो शांति व्यवस्था वहाँ कायम रखे। और हमारा सबसे जो मेन पॉइंट है जिसमें हम काम करना चाहते हैं, वो शांति व्यवस्था चास में बनाए रखने का, ना कि इस तरह की गंदी राजनीति करके एक ही समुदाय के लोग को आपस में बांट देना।